गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। अब डिस्कस करेंगे हम इसमें ग्राउंड टर्म ऑफ एफ ऑर्बिटल्स। डी पार्ट है, डी पार्ट ग्राउंड टर्म्स ऑफ एफ ऑर्बिटल्स। ऑर्बिटल्स इसमें हम एस पी डी ब्लॉक ऑर्बिटलों के ग्राउंड टर्म पढ़ चुके हैं। डी में हम पढ़ेंगे ग्राउंड टर्म ऑफ एफ ऑर्बिटल्स। तो ध्यान दीजिए, फॉर्मूला हमने लिखना है यहाँ पर ग्राउंड टर्म का। ग्राउंड टर्म का फॉर्मूला है 2s+1, ये कहलाता है स्पिन मल्टीप्लिसिटी, s कहलाता है स्पिन क्वांटम नंबर। फिर यहाँ पर आ जाता है l ऑर्बिटल क्वांटम नंबर, यहाँ पर आ जाता है j टोटल एंगुलर क्वांटम नंबर, जहाँ s स्पिन क्वांटम नंबर हो गया, 2s+1 स्पिन मल्टीप्लिसिटी हो गया, एल ऑर्बिटल क्वांटम नंबर, जे एंगुलर क्वांटम नंबर टोटल एंगुलर क्वांटम नंबर जी। अब देखिए एल की वैल्यू हम देख देते हैं, वैल्यू ऑफ एल 0 होती है, 1, 2, 3, 4, 5 वन होती है तो, 0 होती है तो एस कहलाता है, कैपिटल से डिनोट करते हैं, 1 को पी कहते हैं, 2 को कैपिटल डी, 3 को कैपिटल एफ, 4 को जी, 5 को एच। जब क्या होता है एल की वैल्यू क्या आ जाती है, 0 आ जाती है तो एस, 1 आ जाती है पी, 2 आ जाती है डी, 3 आ जाती है एफ, 4 आ जाती है जी, 5 आ जाती है एच। तो ये किस में लिखा जाता है, कैपिटल में। एल क्या होता है, ऑर्बिटल क्वांटम नंबर जो इलेक्ट्रॉनों पे डिपेंड करता है, ये बार बार चेंज होता है, जैसे ग्राउंड टर्म में बार बार चेंज होता है, लेकिन माइक्रो स्टेट में एल की वैल्यू एस पी डी एफ ऑर्बिटल के लिए हमेशा सेम रहती है, लेकिन एक ही ऑर्बिटल में भी बार बार डिफरेंट हो सकता है। ये हो गया, देन यहाँ पर हम जे की बात करते हैं, जे हो गया टोटल एंगुलर क्वांटम नंबर, जे निकाला जाता है एल प्लस एस से, कहाँ तक जाएगा, एल प्लस एस निकालोगे, फिर एल प्लस एस में -1, -2, -3 कहाँ तक करोगे, एल माइनस एस तक। यहाँ क्या क्या जाता है, जब कंपेरिजन निकालते हैं तो हमेशा एल से कम वैल्यू आनी चाहिए जे की, अगर ज़्यादा आ जाते हैं तो उसमें -1, -2 करते रहते हैं जब तक कि एल से कम ना आ जाए। दूसरी कंडीशन, कभी एल 0 दिया है तो उसमें कंपेरिजन एस पे करते हैं। थर्ड है, जे की वैल्यू कभी भी माइनस में नहीं आएगी। सपोज करो एल 0 आ गया, एस हाफ है, तो एल प्लस एस तो क्या आ गया, जे की वैल्यू 1/2 आ गई, लेकिन अगर आप एल माइनस एस करोगे, 0 - 1/2 करोगे, तो जे की वैल्यू -1/2 आ जाएगी, तो वो नहीं रखी जाती है, हमेशा प्लस में ही इसकी वैल्यू आएगी, साइन पॉजिटिव में। ये हो गया, अब देखिए जो इसमें, अब इसमें हम देखते हैं कोरिलेशन क्या होता है इसका। कोरिलेशन ऑफ एफ ऑर्बिटल्स, कोरिलेशन ऑफ एफ ऑर्बिटल्स, तो करना क्या है, एफ एन इज इक्वल टू एफ मैक्सिमम 14 इलेक्ट्रॉन माइनस एन, ये इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा। यहाँ आ जाएगा ग्राउंड टर्म, पहले देखिए एफ एन में एन की वैल्यू हम रख देते हैं 1, एफ 1 कर दिया तो ये हो जाएगा 14 माइनस 1 एफ 13। एफ 1 का
ग्राउंड टर्म किसके जैसा होता है, F13 जैसा। देन इसके बाद हम चेंज करते हैं इसकी वैल्यू 2, F2 करेंगे तो 14 माइनस 2 F12, इसका ग्राउंड टर्म F2 और F12 का एक जैसे होता है। नेक्स्ट Fn की वैल्यू 3 करते हैं, F3 14 माइनस 3 F11। देन n की वैल्यू 4 F10, F की वैल्यू 5 F9, F की वैल्यू 6 F8, F की वैल्यू 7 F7, F14 इज इक्वल टू F0। ये हमने चार्ट बना दिया है। ये सिंपल फॉर्मूला है, F की पावर n इज इक्वल टू F में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 14 आते हैं माइनस n। तो इनका ग्राउंड टर्म सेम होगा, F1 का F13 जैसा, F2 का F12 जैसा, F13 का F11 जैसा, F4 का F10 जैसा, F5 का F9 जैसा, F6 का F8 जैसा, F7 का F7 जैसा, F14 का F0 जैसा। तो ये हमने डिस्कस कर लिया। अब देखिए, सबसे पहले हम निकालते हैं नंबर फर्स्ट, NF1 सिस्टम। सबसे पहले हम F में 7 ऑर्बिटल होते हैं, ये ऑर्बिटल बना लेंगे 1 2 3 4 5 6 7, बीच में 0 +1 +2 +3 -1 -2 -3, ये ध्यान दीजिए। अब इसके बाद इलेक्ट्रॉन कितना है इसमें, 1 है, तो सबसे पहले +3 में इलेक्ट्रॉन जाएगा। इसके लिए हम निकाल देते हैं S, एक इलेक्ट्रॉन है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ऊपर का, तो इसको जो ऊपर को होता है क्लॉकवाइज +1/2 होता है, नीचे को होता है तो एंटी क्लॉकवाइज, उसका -1/2 होता है स्पिन। S फॉर स्पिन क्वांटम नंबर, ये आ जाएगा 1/2। देन 2s+1 स्पिन मल्टीप्लिसिटी, इसमें S की वैल्यू को पुट करेंगे तो ये आ जाएगा 2 × S की वैल्यू 1/2 + 1, 2 से 2 कैंसिल, 1 × 1 1 हो गया, 1 + 1 आ गया आपका 2। ये S की वैल्यू आ गई, जो हम रखेंगे 2s+1 की जगह पे रख देंगे 2। देन उसके बाद चाहिए हमको L, ऑर्बिटल क्वांटम नंबर, किसमें है, एक ही इलेक्ट्रॉन है वो 3 में है, 3 में है, जब भी L की वैल्यू 3 आ जाते हैं तो हमने लिखा है क्या होता है उसका, F, कैपिटल F, L की वैल्यू आ गई कैपिटल F। देन J, L+S से L-S तक जाएंगे, L हो गया 3, S हो गया +1/2, कितना आ गया 7/2, 7/2 डिवाइड करोगे तो 3.5, जो किससे हैं L से बड़ा है, तो J की वैल्यू क्या क्या आ सकती है, 7/2, देन 5/2, माइनस करोगे तो माइनस में कितना आएगा 3 - 1/2, यानी 6 - 1/2, 5/2 आएगा, तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू यही जाएगी, ये सबसे छोटा है, ये तो बड़ा हो गया L से, ये छोटा है और L-S भी है, ये 3 आ गया। तो आप इसको इक्वेशन A, इक्वेशन B, इक्वेशन C, ग्राउंड टर्म फॉर्मूला है 2s+1 L J, ये वैल्यू को रख देते हैं, 2s+1 इक्वेशन ए से आ जाएगा 2, L की वैल्यू F, देन J की वैल्यू 5/2, ये हो गया NF1 का। देन सेकेंड NF कितना, F13 सिस्टम।
ये आपका किसके लिए भी होगा, सारे के सारे ये आ जाएगा एन एफ वन, यानी बोले तो 4F के लिए भी 5F के लिए भी ये होगा, यहाँ भी 4F के लिए और 5F के लिए भी यही आएगा। तो ऑर्बिटल बना दीजिए, 7 ऑर्बिटल, 1 2 3 4 5 6 7, 0 +1 +2 +3 -1 -2 -3। अब देखिए इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 13 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। यहाँ देखिए सबसे पहले हम S निकाल लेते हैं, ये सारे के सारे क्या है, पेयर में है, ऊपर वाले का प्लस हाफ, नीचे वाले का माइनस हाफ, तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये भी कैंसिल, ये भी, ये भी, ये भी, ये भी, ये भी, तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एक ही बचा है, इसका होता है 1/2, 2s+1 स्पिन मल्टीप्लिसिटी में रखेंगे, 2 × 1/2 + 1, 2 से 2 कैंसिल 1 बार, 1 × 1 1 + 1 2, ये आ गया इक्वेशन ए। देन चाहिए हमको L, देखिए जहां जहां इलेक्ट्रॉन है, फर्स्ट में क्या है प्लस 3 है, प्लस 3 में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 है, एक क्लॉकवाइज एक एंटी क्लॉकवाइज, तो इसके लिए इसकी वैल्यू 3, इसके लिए भी 3, तो कितना हो गया 3 3 6, प्लस इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन है, +2 + 2, ये है +2, दो बार है तो +4, देन इसमें क्या है +1 + 1 + 2, 0 से कोई दिक्कत होगी नहीं, 0 को रहने देते हैं, -1 में भी 2 इलेक्ट्रॉन है, -1 - 1 कितना हो गया -2, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है, -2 - 2 - 4, इसमें एक ही इलेक्ट्रॉन है -3। अब प्लस वालों को ऐड कर दीजिए और माइनस वालों को अलग ऐड कर लीजिए, 6 10 11 12, +12 - 1 कितना आ गया 4 6 7 8 9, ये आ जाएगा 9, 12 में से 9 गया, ये आ गया 3, 3 जब आता है इसको क्या कहते हैं, कैपिटल F। देन निकालते हैं J, L प्लस S, L कितना है 3, S कितना है 1/2, ये आ जाएगा 7/2, J की वैल्यू क्या आ गई 7/2 और 5/2, कैसे किया, L प्लस S माइनस 1 कर दिया तो 5/2 आ गया, और क्या है कहाँ तक जाती है, L प्लस S से लेके L माइनस S तक, अब दो वैल्यू आ गई इसकी प्रोबेबिलिटी, लेकिन 7/2 देखा तो 3.5 आ रहा है, 5.2 आ रहा है, 2.5, L से कंपेरिजन करते हैं, L कितना है 3 है, तो ये 3.5 आ जा रहा है, तो ज़्यादा हो जा रहा है, 5/2 2.5 आ रहा है जो L से लेस है, तो हम इसको लेते हैं ग्राउंड टर्म, फॉर्मूले में इसको हम पुट अप कर देंगे, 2s+1 lj, ये आ जाएगा 2f 5/2। अब देखिए इन दोनों का f1 और f13 का सेम आ रहा है, 2f 5/2 2f 5/2, तो ये आ जाएगा दोनों का 2f 5/2, ये कर लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम नेक्स्ट करते हैं। चलिए अब देखो नेक्स्ट कर रहे हैं, थर्ड NF2 इलेक्ट्रॉन है, SH रखेंगे, S कितना आ जाएगा +1 + 1 दोनों को जोड़ेंगे तो S1 भी +1 है, S2 भी +1 है, तो 1/2 1/2 कितना आ जाएगा 1, 2s+1 स्पिन मल्टीप्लिसिटी आ जाएगा 2 × 1 + 1 2 × 1 2 + 1, ये आ जाएगा 3, साफ साफ देख लिखना इसको 3। अब देखते हैं L, जहां जहां पर इलेक्ट्रॉन है इसमें एक ही इलेक्ट्रॉन है तो इसकी वैल्यू ऑर्बिटल की वैल्यू +3 है तो 3 लिख देंगे, एक ही बार है, दो होते तो 2 बार लिखते, +2 में एक ही बार है +2, कितना आ गया
वन टू थ्री फोर फाइव। फाइव का देखिए क्या होता है, फाइव का होता है कैपिटल एच, स्मॉल कहीं में लिखना कैपिटल। देन हम निकाल रहे हैं जे एल प्लस एस, एल कितना है फाइव, एस कितना है वन, कितना हो गया सिक्स। ऐसे ही देखो जे इज इक्वल टू क्या हो जाएगा एल प्लस एस माइनस वन। कब तक करना है ऐसा, जब तक एल माइनस एस ना आ जाए। एल माइनस एस कितना होता है, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो फोर आना चाहिए, तो फोर तक होगा। फाइव एल प्लस एस हो जाएगा सिक्स माइनस वन फाइव। देन जे इज इक्वल टू एल प्लस एस माइनस टू, सिक्स माइनस टू कितना हो जाएगा फोर, और एल प्लस एस हो गया सिक्स, एल माइनस एस कर रहे हो तो फाइव माइनस वन कितना आना चाहिए फोर। तो जे की पॉसिबिलिटी कितनी है, प्रोबिलिटी सिक्स फाइव फोर। तो क्या क्या बनाएगा ये भी पूछ सकता है, ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं। ये बना देगा, एक तो बना देगा थ्री एच सिक्स, दूसरा थ्री एच फाइव, थ्री एच फोर। लेकिन जो हम लेंगे किसको लेंगे, सिक्स बड़ा हो गया फाइव इक्वल हो गया, फोर के लेंगे ग्राउंड टर्म। टू एस प्लस वन एल जे, यानी कितना आ जाएगा थ्री एच फोर, ये ग्राउंड टर्म हो गया किसका, एन एफ टू का। अगला देखते हैं फोर्थ में, फोर्थ क्या है एफ ट्वेल्व, इसको ट्वेल्व करेंगे एक इलेक्ट्रॉन कम कर देंगे यहां से। अब देखिए एस कितना हो गया, ये तो सब कैंसिल हो गया जो पेयर है, केवल एनपीएड इलेक्ट्रॉन एक दो, प्लस आप प्लस आप वन। टू एस प्लस वन स्पिन मल्टीप्लिसिटी, टू इंटू वन प्लस वन, ये हो जाएगा टू इंटू वन टू प्लस वन थ्री। देन देख लीजिए एल, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, इसकी ऑर्बिटल की वैल्यू है प्लस थ्री, तो दो इलेक्ट्रॉन है, प्लस थ्री दो बार आएगा सिक्स, यहाँ दो बार है प्लस टू प्लस फोर, यहाँ दो बार है प्लस वन प्लस टू, माइनस में कितना है माइनस वन माइनस टू, इसमें एक ही बार है माइनस टू, इसमें एक ही बार है माइनस थ्री। प्लस को एक साथ ऐड कर लो, माइनस को एक साथ, टेन ट्वेल्व प्लस ट्वेल्व माइनस सेवन कितना आ जाएगा फाइव, फाइव हो गया तो एच। देन जे एल प्लस एस सेम ही आ जाएगा, एल प्लस एस फाइव प्लस वन, ये आ गया सिक्स, जे की वैल्यू मैंने कहा सिक्स फाइव थ्री, नहीं फाइव सिक्स फाइव फोर। तो ग्राउंड टर्म टू एस प्लस वन एल जे, वैल्यू पुट अप कर दीजिए थ्री एच फोर, थ्री एच फोर। तो दोनों का सेम आ गया है, एफ टू का किसके जैसा, एफ ट्वेल्व जैसा, कितना आ गया थ्री एच फोर, थ्री एच फोर, ये हो गया है। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, फाइव फिफ्थ वाला है ये, थ्री सॉरी एन एफ थ्री, इसमें थ्री इलेक्ट्रॉन डाल देंगे तो एक और बढ़ जाएगा। एस कितना आ जाएगा थ्री इंटू वन बाई टू, सभी का वन बाई टू है, वन हाफ प्लस वन हाफ है तो सभी क्लॉकवाइज है, तो कितने हैं थ्री है, तो ये आ जाएगा थ्री बाई टू, स्पिन मल्टीप्लिसिटी टू एस प्लस वन, टू इंटू थ्री बाई टू प्लस वन, टू से टू कैंसिल, ये आ जाएगा थ्री प्लस वन फोर। देन एल कितना आ जाएगा देखिए, प्लस थ्री प्लस टू प्लस वन, कितना आ गया सिक्स, तो एल सिक्स आ गया, तो मैंने यहाँ पर बढ़ा देते हैं एस पी डी एफ जी एच, यहाँ पर आई आ जाएगा, यहाँ पर लिख देते हैं
सिक्स आ गया तो कैपिटल आई, इसको हम लिख देते हैं आई। देन जे एल प्लस एस कितना आ जाएगा, सिक्स प्लस थ्री बाई टू, ये आ जाएगा 15/2। तो जे की वैल्यू क्या हो सकती है, 15/2, 13/2, 11/2, 11/2 आएगा, यहाँ 5.2 आ रहा, तो एल से छोटा होना चाहिए, ये आ गया है। ग्राउंड टर्म 2s+1 एल जे, ये आ जाएगा 4i 11/2, कितना हो रहा है 11/2, 5.5, ये हो जाएगा। देन एस सी इसका देखते हैं, 6 में कितना आ जाएगा 11, एक इलेक्ट्रॉन और कम हो जाएगा, वो यहाँ से कम होगा। एस कितना हो जाएगा 1, 2, 3, 3 × 1/2, 3/2, 2s+1, 2 × 3/2 +1, 3, ये आ जाएगा 4। देन J, L आ जाएगा +2, +3, +3, 6, इसमें भी 2 है, +2, +2, +4, इसमें भी 2 है, +1, +1, +2, इसमें एक ही है, -1, -2, -3, ये हो जाएगा 12 माइनस 3, 3, 6, ये बचेगा 6, 6 का हो जाता है I। अब आ जाएगा जे एल प्लस एस में करोगे 6 + 3/2, ये आ जाएगा 12, 13, 14, 15/2, जे की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 15/2, 13/2, 11/2, कहाँ तक, एल माइनस एस तक। ग्राउंड टर्म 2s+1 एल जे, पुट अप कर दो 4i 11/2, दोनों का सेम है तो क्या क्या आ गया, F3 और F11 का 4f 11/2, ये इसका ग्राउंड टर्म आ गया। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सेवन क्वेश्चन करते हैं। सेवन देखिए, सेवन है F4, एक इलेक्ट्रॉन और बढ़ जाएगा इसमें, ये आ जाएगा। एस कितना हो जाएगा, +1, +1, +1, यानी 4 × 1/2, 2 से 2 एक कितनी बार कैंसिल, 2 बार, 2 × 1, ये आ जाएगा 2। स्पिन मल्टीप्लिसिटी 2s+1, 2 × 2 + 1, 2 × 2 = 4, 1, 5, ये आ गया 5। एल देखिए +3, +2, +1, कितना आ गया 6, 6 का क्या होता है आई, अभी बता रखा है ये। जे आ जाएगा एल प्लस एस, ये आ जाएगा 5 + 2, कितना आ जाएगा 7, मैक्सिमम 7 आए, मिनिमम कितना आ जाएगा 6 + 2, ये आ जाएगा 8, मैक्सिमम 8 आया, मिनिमम कितना आ जाएगा 6 - 2, 6 - 2 यानी L-2, ये आ जाएगा 4। तो J की वैल्यू 8, 7, 6, 5, 4, 4 तक जाएगा, ये देख लीजिए। तो प्रोबेबिलिटी क्या है J की, 8, 7, 6, 5, 4, इससे नीचे नहीं आएगा। तो ये इससे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, और क्या क्या ग्राउंड टर्म बनाएगा, तो देखो 5i 8, 5i 7, 5i 6, 5i 5, 5i 4, ग्राउंड टर्म। टू एस प्लस वन एल जे, यहां से आ जाएगा 5, यहां से आ जाएगा आई, यहां से आ जाएगा 4, 5i 4, ये हो गया किसका ग्राउंड टर्म, NF4 का। N आपका प्रिंसिपल नंबर है, क्या हो सकता है 4F4,
फाइव है फोर, तो इनका सेम रहेगा। एट्थ में एक बात करते हैं, इसमें एक इलेक्ट्रॉन और कम हो जाएगा, एफ टेन हो जाएगा, एन एफ टेन सिस्टम ये हो जाएगा, इसको हटा दो। एस कितना आ जाएगा, जीरो 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 वन टू थ्री फोर, फोर इंटू वन बाई टू यानी कितना टू, स्पिन मल्टीप्लिसिटी टू एस प्लस वन, टू इंटू टू प्लस वन, फोर प्लस वन फाइव। देन एल प्लस टू प्लस टू सिक्स, दो बार है, यहाँ भी दो बार है प्लस फोर, यहाँ भी दो बार है प्लस टू, यहाँ एक ही बार है माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री, जोड़ दो इसको, टेन ट्वेल्व प्लस ट्वेल्व है माइनस सिक्स है, तो क्या आ जाएगा सिक्स, सिक्स का होता है कैपिटल आई। जे एल प्लस एस कितना आ जाएगा, सिक्स प्लस टू एट, जे की प्रोबेबिलिटी एट, सेम ऐसे आएगा सेवन सिक्स फाइव फोर, मैक्सिमम सिक्स प्लस टू, मिनिमम सिक्स माइनस टू। ग्राउंड टर्म टू एस प्लस वन एल जे, इसकी वैल्यू रख दीजिए फाइव आई फोर, तो दोनों का सेम हो गया। किसका, एफ फोर ऑफ एफ टेन का कितना आ रहा है, एफ फोर और एफ टेन का सेम आ रहा है फाइव आई फोर, तो ये हो गए। इसके बाद नेक्स्ट हम एफ फाइव एफ नाइन का करते हैं, तो इसको आप इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, नाइन नाइन में हम कर रहे हैं एफ फाइव के लिए, एक इलेक्ट्रॉन और बढ़ा दो। एस कितना हो जाएगा, वन टू थ्री फोर फाइव है, तो फाइव इंटू वन बाई टू, ये हो जाएगा कितना फाइव बाई टू। देन टू एस प्लस वन, स्पिन मल्टीप्लिसिटी टू इंटू फाइव बाई टू प्लस वन, टू से टू कैंसिल, फाइव प्लस वन कितना हो जाएगा सिक्स। देन एल, एक इसमें है थ्री, एक इसमें है टू, एक इसमें है वन माइनस वन, कितना हो जाएगा थ्री फोर फाइव सिक्स माइनस वन, ये आ जाएगा कितना फाइव, फाइव आ गया, तो फाइव का क्या होता है कैपिटल एच। देन जे एल प्लस एच कर लीजिए, फाइव प्लस फाइव बाई टू, ये कितना हो जाएगा टेन फिफ्टीन बाई टू, मैक्सिमम हो गया। मिनिमम कितना हो जाएगा, मिनिमम यहाँ देख लेते हैं, सिक्स माइनस फाइव बाई टू ये हो जाएगा ट्वेल्व, सॉरी सिक्स है फाइव है नहीं फाइव, हाँ फाइव है, एल की वैल्यू फाइव है, तो मैक्सिमम तो ये हो गया, मिनिमम कितना हो जाएगा टेन फाइव टू, फाइव बाई टू सबसे मिनिमम हो जाएगा, तो जे की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी फिफ्टीन बाई टू, थर्टीन बाई टू, इलेवन बाई टू, नाइन बाई टू, सेवन बाई टू एंड फाइव बाई टू, इतनी प्रोबेबिलिटी है, एक दो तीन चार पाँच छः, इसको ले लेते हैं हम। ग्राउंड टर्म, ग्राउंड टर्म ऑफ एन एफ फाइव सिस्टम के लिए टू एस प्लस वन एल जे, यहाँ से सिक्स, यहाँ से एच, यहाँ से फाइव बाई टू, ये हो गया ग्राउंड टर्म ऑफ एन एफ फाइव सिस्टम। देन टेन वाला देखते हैं, इसमें एक इलेक्ट्रॉन और कम हो जाएगा नाइन, ये इलेक्ट्रॉन कम हो गया। एस कितना आ गया, देखो ये जो पेयर में है कैंसिल हो जाएगा, ये कितने हैं एक दो तीन चार पाँच, फाइव इंटू वन बाई टू ये हो जाएगा फाइव बाई टू, टू एस प्लस वन स्पिन मल्टीप्लिसिटी टू इंटू फाइव बाई टू प्लस वन, टू से टू कैंसिल, फाइव प्लस वन सिक्स। देन एल देखिए, इसमें प्लस थ्री में दो इलेक्ट्रॉन है, प्लस थ्री सिक्स, इसमें दो है प्लस टू प्लस फोर, इसमें एक ही है प्लस वन, इसका कोई वैल्यू नहीं, इसमें माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री, ये इलेवन माइनस सिक्स कितना बचा फाइव, फाइव है तो इसका कैपिटल एच। जे हो जाएगा एल प्लस एस, फाइव प्लस फाइव बाई टू
ये हो जाएगा 15/2। जे की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, एल प्लस एस ये हो गया, एल माइनस एस हो जाएगा आपका 5/2। 15/2, 13/2, 11/2, 9/2, 7/2, 5/2 ग्राउंड टर्म। 2s+1 एल जे, ये आ जाएगा 6, ये आ जाएगा h, ये आ जाएगा 5/2। तो दोनों का सेम है, f5 f9 का आ जाएगा 6h 5/2। ये हो गया, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर नेक्स्ट करते हैं। चलिए अब देखते हैं हम f6 of f8 का क्या आता है। f6 एक इलेक्ट्रॉन बढ़ा दो, s कितना हो जाएगा 1 2 3 4 5 6, 6 × 1/2, इससे एक कट गया कितनी बार, 3 बार। 2s+1 स्पिन मल्टीप्लिसिटी 2 × 3+1, 6+1 7। l देखिए 3 2 1 -1 -2, प्लस को जोड़ दो, 6 - 3 कितना आ जाएगा 3। 3 4 5 6 2 + 6 - 3 आ गया -3, -6 + 6 में से -3 गया तो +3। 3 का क्या होता है, कैपिटल F। देन J L प्लस S, L कितना है 3 + 3, कितना आ जाएगा 6। J की वैल्यू क्या आ जाएगा, -0 भी आ सकता है, 6 हो गया, एल प्लस एस तो 6 आ गया, एल माइनस एस कितना आ जाएगा 3 - 3 0 हो जाएगा। 6 5 4 3 2 1 0 ग्राउंड टर्म। 2s+1 एल जे, 7f 0, ये आ गया। ऐसे ही 12 का निकालते हैं, क्या है f8, एक और कम कर दीजिए ये, तो s क्या हो जाएगा, ये तो 0 हो गया, 1 2 3 4 5 6, 6 × 1/2 आ जाएगा आपका 3। 2s+1 स्पिन मल्टीप्लिसिटी 2 × 3+1, 6 + 1 7। l देखिए +3 + 3 + 6 + 2 + 1 - 1 - 2 - 3, 6 7 8 9 - 6, 3 3 आ गया तो क्या हो जाएगा, कैपिटल F। जे एल प्लस एस कितना आ गया, 3 + 3 6। जे की प्रोबेबिलिटी 6 5 4 3 2 1 और लास्ट में 0। ग्राउंड टर्म 2s+1 एल जे, 7f 0, तो दोनों का आ गया 7f 0, f6 और f8 का 7f 0। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर दो और बच्चे हैं। अब देखिए अब हम बात करते हैं f7 का। f7 एक इलेक्ट्रॉन इसमें और बढ़ जाएगा, s कितना हो जाएगा, टोटल 7 है ऑर्बिटल, इलेक्ट्रॉन भी कितने हैं 7 है, एज क्या कितना है 1/2, 7 × 1/2 क्या हो जाएगा 7/2। 2s+1 स्पिन मल्टीप्लिसिटी 2 × 7/2 + 1, 2 से 2 कैंसिल, एक बार 7 + 1 कितना हो जाएगा 8, ये आ जाएगा l 3 2 1, माइनस में भी है -1 -2 -3, कितना हो जाएगा
थ्री फोर फाइव सिक्स माइनस सिक्स कितना हो गया जीरो, जीरो का क्या हो जाता है कैपिटल एस। जे एल प्लस एस कितना है जीरो प्लस सेवन बाई टू, तो इसका आप सेवन बाई टू ही रखोगे। अगर आप माइनस कर दोगे जीरो माइनस वन तो कितना आ जाएगा जीरो माइनस सेवन बाई टू हो जाएगा। तो इसी को रखो ग्राउंड टर्म, टू एस प्लस वन एल जे, यह आ जाएगा एट एस सेवन बाई टू। इसका आ जाएगा एट एस सेवन बाई टू। फोर्टीन एफ फोर्टीन या एफ जीरो, तो देखो सब में कितने इलेक्ट्रॉन टेन, तो एस इज इक्वल टू जीरो आ गया। टू एस प्लस वन टू इंटू जीरो प्लस वन कितना आ गया वन। एल देखिए कितना आ जाएगा प्लस टू प्लस थ्री दो इलेक्ट्रॉन है प्लस सिक्स, प्लस टू प्लस फोर, प्लस वन प्लस टू, माइनस वन माइनस टू माइनस टू, माइनस टू माइनस टू माइनस फोर, माइनस थ्री माइनस सिक्स, प्लस को ऐड कर दो ट्वेल्व माइनस ट्वेल्व कितना आ गया जीरो, जीरो आ गया। तो एस जे आ जाएगा एल प्लस एस, दोनों जीरो है तो जे की वैल्यू भी क्या आ गई जीरो। ग्राउंड टर्म टू एस प्लस वन एल जे, ये आ जाएगा वन एस जीरो। तो देखिए एफ फोर्टीन और एफ जीरो का आ जाएगा वन एस जीरो। तो ये बन गया हमारा ग्राउंड टर्म एफ ऑर्बिटल के सारे बना दिए हैं। इसमें हमने देख लिया है कैसे ग्राउंड टर्म निकालते हैं, देन कोरिलेशन क्या है, देन प्रोबेबिलिटी क्या है जे की। ये हो गया हमारा कंप्लीटली ग्राउंड टर्म ऑफ एफ ऑर्बिटल। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। थैंक यू सो मच।